हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स यूजिंग कैसियो FX-991MS, मतलब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से किसी भी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की 3, 2, -1 एंड 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ A = 0। वेयर S1 क्या है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड मॉड ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स यहाँ टाइप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मॉड को 3 times प्रेस करना है। मैट 2 लिखा आ रहा है तो 2 लिखेंगे एंड शिफ्ट एंड 4 प्रेस करेंगे। अब इसकी डायमेंशन पूछेगा तो हमने 1, हमें पता है मैट्रिक्स ए कितने डायमेंशन की है, 2। अब ए मैट्रिक्स का पूछ रहा है तो अगेन 1, डायमेंशन 2 by 2 की, मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 = 2 हमने प्रेस कर दिया। अब देखिए वो प्रेस करते ही हमको A11 की पोजिशन पर क्या है, 3, A12 की पोजिशन पर 2 और A21 की पोजीशन पे क्या है, -1 एंड A22 की पोजीशन पे 0 = अब हमने यहाँ डेटा फिट कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ट्रेस के लिए देखिए शिफ्ट एंड 4, मैट के आगे देखिए एरो का साइन है तो हमने प्रेस करा। देखिए ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों हैं तो हम पहले ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, और किस मैट्रिक्स का निकालना, ए का, तो शिफ्ट 4, 3 और यहाँ 1 = देखिए सेंटेक्स आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप ऐसी प्रेस करिए, फिर शिफ्ट 4, मैट के आगे हमें क्या निकालना है, ट्रेस मतलब 2 एंड शिफ्ट 4, 3 और ए मैट्रिक्स का निकालना है तो ये देखिए इसका ट्रेस कितना आएगा, 3। ट्रेस क्या होता है, और आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 3 + 0 क्या होगा, यहाँ 3 होगा, ओके। तो बहुत आसानी से निकल जाता है। इसी प्रकार अब क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तब आप क्या करेंगे, एसी प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4, डिटर्मिनेंट का 1, शिफ्ट 4, 3 और 1, डिटर्मिनेंट देखिए 2 है ना, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 2 आ गया, क्लियर। तो दैट मीन्स आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिल गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 लैम्डा और प्लस ऑफ 2 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको इसकी वैल्यू निकालना है। अब काम क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ मैट्रिक्स को एक्टिवेट कराया था तो इसको हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट मॉड 3 एंड 2 times = sign। अब देखिए हमको ये इक्वेशन यहाँ टाइप करने, तो कैसे करेंगे, मॉड को हम प्रेस करेंगे 1, 2 and 3 times मॉड करते ही प्रेस करते ही इक्वेशन 1 लिखा आ रहा है तो हमने 1। अब अननोन 2, 3 हमें काम नहीं है, यहाँ देखिए एरो का साइन है तो एरो का प्रेस, डिग्री पूछ रहा है कितनी पॉलीनोमियल डिग्री का है, 2 डिग्री का है, हमने 2 प्रेस करना है। 2 प्रेस करते ही ए बी सी के कोफिशेंट पूछेगा, ए मतलब लैम्डा स्क्वायर तो इसका कोफिशेंट क्या है, 1 है, बी मतलब माइनस ऑफ 3 एंड सी मतलब 2 = ये देखिए यहाँ X1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आई और ये देखिए A2 का साइन नीचे की तरफ है, मतलब डाउन बटन आप प्रेस करेंगे तो X2 की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 1। तो देखा कितनी आसानी से आपने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है ना। तो बहुत आसान है, 2×2 का तो बहुत आसान है, सिमिलरली 3×3 का भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।